भाई गुड इवनिंग नमस्कार जय हिंद मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का टीचर्स के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा टू फोर सेवन पर भाई आप सबको पता है कि रोज रात को आठ बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है मेरे दोस्त रोज रात को आठ बजे से मैं आप सबके साथ मुखातिब हो जाता हूं आप सभी से जुड़ जाता हूं रीजनिंग को लेकर जिसमें हम लोग कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के सौ धांसू प्रश्न आठ दिन आठ बजे लॉजिकल रीजनिंग के सौ धांसू प्रश्न उस क्रम में ऑलरेडी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और सारे से क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं तो आज फिर मैं कुछ और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न लेकर आप सबसे जुड़ चुका हूं मेरे दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स अड्डा पर भाई जल्दी से पहले जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है एक बार वीडियो को शेयर कर दो, दो सभी के साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उन सबसे मैं कहना चाहूंगा एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो उन सभी लोगों के साथ और सभी को बता दो कि भाई रीजनिंग की क्लास लाइव हो चुकी है आठ बजे का टाइम है और आठ बजते ही रीजनिंग की क्लास लाइव हो चुकी है तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो प्रियंका गुप्ता जी ओके जो लोग हैं उनसे कहना चाह रहा हूं मैं तो जो लोग हैं उनको बताना चाह रहा हूं भाई जो लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करते हैं अपने सारे एजुकेशनल ग्रुप्स में और सबको बता दो कि क्लास लाइव हो गई है और जल्दी से आ जाए और ज्वाइन कर लें सेशन को कल तक हमने यहां पे देखे थे काफी टाइप के क्वेश्चंस हमने कल क्लॉक पर किए थे उससे पहले हम लोगों ने नंबर सीरीज को डिस्कस किया मिसिंग नंबर को discuss, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया आज एक नए टॉपिक से और काफी सारे से लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज काम करता है जहां आप जज कर सकते हैं खुद को एनालाइज कर सकते हैं खुद को और वहां हम चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ किस तरह से वर्क कर रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्रैश कोर्स लाइव हो रहा है जो 15 मार्च से आने वाला है ये बैच आपका 15 मार्च से लाइव हो रहा है इसके जो प्राइस है वो है सिक्स ट्रिपल नाइन लेकिन अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं वाई टू सेवन फोर तो मात्र आपको सोलह सौ नौ रुपए में ये बैच देखने को मिल जाएगा जहां आपका ये बहुत क्विक बैच जो होता है वो लॉन्च कर दिया गया है बिल्कुल गुड इवनिंग परमानंद कुमार जी यूपी जूनियर का भी कोर्स आपका लाइव हो चुका है और इसमें भी आपका अगर आप देखेंगे तो 15 मार्च से ये बैच भी आपका स्टार्ट होने वाला है और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं इसकी जो प्राइस है वो सिक्स ट्रिपल नाइन है लेकिन अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे वाई टू सेवन फोर तो ये बैच भी आपको मात्र सोलह सौ नौ रुपए में देखने को मिल जाएगा ये दोनों बैच आपके अवेलेबल है जो पंद्रह मार्च से लाइव होने जा रहे हैं तो जो लोग भी अगर अपने आप को चेक करना चाहते हैं क्रैश कोर्स में आकर और चीजें सीखना चाह रहे हैं वो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लें और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है उस पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर आप सबके सामने आ गया है भाई क्वेश्चन नंबर आपके सबके सामने आ चुका है तो भाई जल्दी से आंसर करो ये क्वेश्चन है एनालॉगी से वेस्ट एनालॉगी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आ चुका है तो जो लोग जुड़ गए हैं भाई जल्दी से आंसर करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का फोर्टी फाइव क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के दिनों में और आज फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन चल रहा है जहां हम सौ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें से छियालीस नंबर का क्वेश्चन आज स्टार्ट हो चुका है चलिए भाई जल्दी से आंसर करिए क्या आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर टू संजय जी का आंसर आ रहा है प्रियंका जी बोल रही है ऑप्शन टू एक आंसर आ नंबर दो आंसर मुझे इक्विपमेंट तो दर्जी, दर्जी होता? होता है मतलब जिससे वो काम करता है दर्जी कैंची का यूज करता है कपड़ा काटने के लिए कपड़ा काटने के लिए यूज करता है आपको इसमें क्या करना होगा फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड से दे रखा है अब आपको यह बताना है सेम लॉजिक के बेसिस पर थर्ड और में रिलेशन ले, बनना चाहिए तो भाई सबसे पहली चीज ये समझो राइटर पेन से काम करेगा लेखक कल, कलम से काम करेगा और दर्जी कैंची से काम करेगा मतलब फर्स्ट तो बिल्कुल सही आ रहा है सेकंड बोल रहा है ड्राइवर ड्राइव्स चालक चलाना चलाना से काम नहीं करता चलाना उसका काम होता है दर्जी का अगर दे रखा होता कपड़ा सिलना तो उसका काम होता सिलना लेकिन चलाना दे रखा है तो ये गलत हो गया गार्डनर ग्रो माली उगाने का काम माली उगाने का काम करता है लेकिन किसके द्वारा करता है वो चीज नहीं दे रखी इक्विपमेंट नहीं है और कारपेंटर का टेबल दे रखा है ये भी कारपेंटर का टेबल इक्विपमेंट नहीं है कारपेंटर टेबल बनाता है दर्जी कपड़े सिलता है तो कपड़े नहीं दे रखा है कैंची दे रखा है इक्विपमेंट की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल और जी ए आंसर बिल्कुल ठीक है परमानंद कुमार जी बिल्कुल फोर हर्ष यादव जी बिल्कुल गुड इवनिंग वरुण जी गुड इवनिंग ऑप्शन नंबर बिल्कुल 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 फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर बन रहा है तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आए तो बताते रहना दोस्त मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन भाई बताइए इसमें क्या बनेगा और सेशन को शेयर करते चलो जितने लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से भाई सेशन को लाइक like और शेयर करते चलिए भाई जल्दी से हाँ वरुण जी आज सेवन थर्टी पर क्लास नहीं हो पाई थी दोस्त वो थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो रहा था एक क्लास बीच में थी जो पेंडिंग थी उसको कराने के चक्कर में नहीं हुई थी तो आगे से क्लास रेगुलर ही रहने वाली है सेवन थर्टी वाली भी आपकी जो डिफेंस पे हो रही है लेकिन अभी ये टीचिंग पर क्लास है जो आठ बजे रोज होती है इसमें भी आप कर सकते हैं यहाँ लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी दोस्त ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है वरुण जी का प्रियंका जी बोल रही हैं ए होगा संजय जी बोल रहे हैं फर्स्ट होगा श्वेता वर्मा जी फर्स्ट बता रही हैं हर्ष यादव जी बोल रहे हैं ए होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है परमानंद कुमार जी बोल रहे हैं बी होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड फर्स्ट भी आ रहा है सेकेंड भी आ रहा है हॉट्स का मेयर दिया घोड़ा घोड़ी क्या हो गया मेल और फीमेल मेल और फीमेल का रिलेशन दिया है यानी कि मेल और फीमेल में दे रखा है तो भाई पिकॉप की बात करें तो मोर होता है मोर होता है तो मोर का फीमेल में क्या बन जाएगा सबसे पहली चीज समझा करो इसमें आपको चेक क्या करना है इसमें आपको यह देखना है आपको बता क्या रखा है फर्स्ट सेकंड बता रखा है और यहां थर्ड बता रखा है तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि किसको किससे क्या पता करना है मतलब अगर मुझे फोर्थ पता करना है तो थर्ड से फोर्थ पर जाना है तो मैं यहां फर्स्ट से सेकंड पर जाऊंगा और मुझे अगर थर्ड पता करना है तो मैं सेकंड से फर्स्ट पे जाऊंगा तो फर्स्ट से सेकंड आया मुझे पता चला फीमेल पता फीमेल है सेकंड वाला क्या फीमेल में आ रहा है तो पीकॉक का फीमेल में क्या हो जाएगा मोरनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं था और ना ज्यादा टाइम लगना चाहिए था क्योंकि साफ साफ लिखा है मोर का मोर नहीं होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का आंसर करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट और जो लोग देख रहे हैं भाई उतने लोग जल्दी से, से सेशन को लाइक भी करते चलें। और क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का आंसर करिए फोर्टी एट का आंसर क्या बनेगा बैडमिंटन कोर्ट स्केटिंग का क्या होगा वरुण जी बोल रहे हैं फर्स्ट होगा प्रियंका जी बोल रही हैं फर्स्ट होगा हर्ष यादव जी बोल रहे हैं फर्स्ट होगा संजय जी बोल रहे हैं फर्स्ट होगा देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली एनलॉगी के जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग से ज्यादा आपकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने का काम करता है किस टाइप में हो सकता है वो आपको इंग्लिश के वर्ड दे दे जहां सिनोनियम दे रखे हो दोनों या दोनों एंटोनियम्स दे रखे हो एक दूसरे के तो आप में थर्ड और फोर्थ में वही चेक करना होगा मतलब इंग्लिश भी आ सकती है जीए भी आ सकती है आपकी जनरल अवेयरनेस चेक कर सकता है स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज मतलब आपको नॉलेज कितनी है आपकी बेसिक नॉलेज क्या है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनते हैं सेकेंड भी होगा भाई सेकेंड भी आंसर देखने को मिल रहा है मुझको तो सबसे पहली चीज समझो दोस्त बैडमिंटन खेलने का ये कोर्ट होता है ये ये जहां जहां पे बैडमिंटन 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 आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है है ना ये जो एरिया इसको कोर्ट कोर्ट बोलते हैं कोर्ट। जहां खेला जाता है, वो जगह कहलाती है बैडमिंटन कोर्ट तो ये तो हो गया बैडमिंटन कोर्ट और जहां आपकी स्केटिंग होती है जो स्केटिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं रिंक ये होती है आपकी रिंक इसको स्केटिंग की रिंक बोला जाता है ठीक स्केटिंग जिस जगह पे होती है उसको बोलते हैं रिंग तो यानी कि आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई बैडमिंटन का अगर कोर्ट दे रखा है मतलब बैडमिंटन खेलने की जगह हो गई तो स्केटिंग की जगह क्या बन गई आपकी रिंक हो गई ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है बाकी आप चेक कर सकते हो चेस ग्राउंड में नहीं होता सबको पता है स्विमिंग ग्रास पे नहीं होती या पोलो स्काई पे नहीं होता ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर वन जो आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फोर्टी के नहीं होगा दोस्त फर्स्ट होगा सेशन को लाइक भी करते चले भाई जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक कंप्लीट कर लो जल्दी से 49 का आंसर क्या बनेगा शिक्षक विद्यालय कलाकार टीचर स्कूल आर्टिस्ट वरुण जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रियंका जी बोल रही हैं फर्स्ट होगा संजय जी बोल रहे हैं फर्स्ट होगा श्वेता जी बता रही हैं फर्स्ट होगा हर्ष यादव जी बोल रहे हैं थिएटर ऑप्शन नंबर वन आंसर देखने को मिल रहा है मुझे फोर्टी नाइन का आंसर मैक्सिमम फर्स्ट आ रहा है फोर्टी नाइन का आंसर आ रहा है फर्स्ट पूजा कुमारी जी फर्स्ट होगा प्रमानंद कुमार जी फर्स्ट होगा अर्चना जी बोल रही हैं फर्स्ट होगा हर्षी बोल रहे हैं ए होगा मतलब ए ज्यादातर आंसर आ रहे हैं यहां आप देख सकते हैं टीचर का स्कूल से क्या लेना देना है स्कूल के अंदर जो पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं स्कूल के अंदर आपको टीचर मिल जाएंगे तो आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट कहां मिलेंगे आर्टिस्ट कहां मिलेंगे वो जगह क्या होगी जहां के लोगों को आर्ट जहां पे लोग आपको आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो कार्ड्स के अंदर नहीं मिलते भाई ताश में आर्टिस्ट नहीं होते पेन के अंदर आर्टिस्ट नहीं होते और एक्टिंग जो होती है वो आर्टिस्ट का क्या होता है करने का काम होता है एक्टिंग के अंदर आर्टिस्ट नहीं होते आर्टिस्ट जो होते मिलेंगे आपको वो थिएटर के अंदर मिलेंगे थिएटर के अंदर मिलेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है बहुत बढ़िया भाई सभी का आंसर सही जा रहा है अब तक अभी तक मैंने देखा सभी का आंसर मुझे सही देखने को ही मिला है दोस्त तो क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पचास का आंसर करिए भाई जल्दी से अजम्पन का लॉजिक है तो गैस का क्या होगा और भाई जो लोग नए जुड़े हों वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी क्लास मिलने वाली है आपको और रोज रात को आठ बजे जुड़ना है बस रीजनिंग के लिए रीजनिंग में जितने क्वेश्चन आपके आते हैं आठ से दस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो गलत नहीं होंगे इस चीज की गारंटी है दोस्त बस आपको इतना करना है रेगुलर रहना है आठ बजे एस्टिमेशन होगा वरुण जी ने आंसर बोला एस्टिमेशन होगा और गेमिंग जी बोल रहे हैं ए होगा आदित्य जी बोल रहे हैं फर्स्ट होगा संजय जी बोल रहे हैं फर्स्ट होगा प्रियंका गुप्ता जी बोल रही हैं बी होगा यानी कि एनालिसिस होगा ओके okay, श्वेता जी बोल रही हैं बी होगा अर्चना जी बोल रही हैं बी होगा ऋचा जी बोल रही हैं ए होगा वंधु जी बोल रही हैं ए होगा मतलब आंसर मुझे ए और बी दोनों देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों आंसर देखने को मिल रहे हैं कुछ लोगों का ए आ रहा है कुछ का बी आ रहा है यानी कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आप लोगों को तो सबसे पहले बेसिक सी चीज समझो एजम्शन जो होता है जो होता है वो लॉजिक के बेस पर दिया किया जाता है कोई लॉजिक होगा आपके पास तब तो आप किसी चीज पर पूर्व धारणा अपनी बता सकते हो मतलब किसी चीज को आपने सुना किसी चीज को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद कोई लॉजिक आपने किसी लॉजिक के बेसिस पर आपने क्या किया एजम्पन कर दिया वहां आप एजम्पन कर सकते हो अज्यूम कर सकते हो गैस जब करते हैं जब हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज का गैस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है एस्टिमेशन होता है वो उसका आंसर होगा एस्टिमेशन एनालिसिस नहीं होगा एनालिसिस करके क्या किया जाता है एनालिसिस करके कंक्लूजन आता है कंक्लूजन जो होता है वो एनालिसिस के बेसिस पर आता है एस्टिमेशन जो होता है एस्टिमेशन कैस जो होता है वो एस्टिमेशन के बेसिस पर आता है ऐसे समझ सकते हो कि आप कभी कभी आप देखते हो किसी से अगर आपने बात की और कोई आपको बताता है मैं अभी उस जगह पर आ गया हूं आ रहा हूं वहां तक पहुंच गया हूं तो आप लोग वहां से गैस कर लेते हो एक अनुमान लगा लेते हो कि इतनी देर में आ जाएगा इतनी देर में आ जाएंगे कि 20 मिनट में आ जाएंगे वहां से यहां तक या फिर 10 मिनट में आ जाएंगे या 5 मिनट में आ जाएंगे वो क्या होता है वो एक आकलन होता है वो क्या प्रोसेस होती है आपकी आकलन होती है क्योंकि आपको पता होता है वहां से वहां से तक का का जो टाइम लगता लगता है वो 10 लगता है वो लगभग मिनट तो आप गैस करते हो कि दस मिनट में आ जाना चाहिए तो आकलन होता है एस्टिमेशन होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है एनालिसिस वालों को बताना चाहूंगा एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन निकाले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कस करिए भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन और भाई देखिए सेशन को लाइक करने में कंजूसी काहे दिखा रहे हो हाँ जल्दी से भाई जो लोग सेशन देख रहे हैं उतने लोग तो जल्दी से लाइक कर सकते हैं और जो लोग पुराने हैं वो तो कर सकते हैं तो जो लोग सेशन को देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलो और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मजा बहुत आने वाला है अगर आप रेगुलर रहोगे तो इस चीज की गारंटी है दोस्त ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर वी। वरुण जी बोल रहे हैं बी होगा आदित्य जी बोल रहे हैं थर्ड होगा ज्योति जी बोल रही हैं बी होगा और प्रियंका जी बोल रही हैं थर्ड होगा दो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास एक आ रहा है बी एक आ रहा है सी बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है श्वेता जी सी बता रही हैं हर्ष यादव जी सी बता रहे हैं बी है सी है बहुत कंफ्यूजन लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में हा इतने आंसर का गलत हो रहे हैं पिजन की बात करें कबूतर की बात करें पिजन जो होता है वो आपका शांति दूत माना जाता है पिजन जो होता है उसको शांति दूत माना जाता है मतलब शांति के लिए बताया जाता है पिजन अब अगर इस बे में अगर हम बात करें सेम लॉजिक पर बात करें तो व्हाइट फ्लैग क्या होता है सफेद झंडा क्या होता है आप लोगों ने काफी सारी चीज अगर पहले देखी हो तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर पे काफी मूवी बनी है तो वहां आप देखना वहां क्या होता है लास्ट में पाकिस्तानी जो सेना होती है पाकिस्तान की पूरी फोर्स होती है वो रियलिटी में भी हुआ था तो वो लोग क्या करते हैं वो व्हाइट फ्लैग दिखा देते हैं लास्ट में आकर व्हाइट फ्लैग दिखा देते हैं वो व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है वो व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं मैंने आत्मसमर्पण कर दिया मुझे अब लड़ाई नहीं करनी भाई मैं क्या कर रहा हूं मैं सरेंडर कर रहा हूं बिल्कुल सरेंडर करने के लिए ही व्हाइट फ्लैग यूज करते हैं वरुण जी बिल्कुल सही लॉजिक है तो आपने देखा होगा वो व्हाइट फ्लैग का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूं सफेद झंडा दिखा देने का मतलब है कि सरेंडर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए भाई इसका आंसर करिए आदित्य वीर जी वो शांति के लिए उस वे में यूज नहीं करते शांति का मतलब होता है जब हम वॉर चल रही हो और अगर मैं व्हाइट फ्लैग दिखा रहा हूं तो वो एक तरह से शांति है लेकिन क्या कि मैंने सरेंडर कर दिया मैंने सरेंडर कर दिया मैंने हार मान ली तो मैं व्हाइट फ्लैग दिखा रहा हूं दोस्त ओके ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी काफी आंसर इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं भाई इतना अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर मुझे देखने को मिले लॉजिक लगा रहे हो तो सेम बेसिस पर लगाओ अलग अलग चलिए भाई देखते हैं लॉजिक क्या बनेगा किस लॉजिक के बेस पर आप लोग आंसर कर रहे हो ज्योति जी आपका सुपर टेट का जो बैच आ रहा है वो आपका सिक्स ट्रिपल लाइन का है छह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का है लेकिन अगर आप यह कोड इस्तेमाल कर लेंगी वाई टू सेवन फोर तो आपको मात्र सोलह सौ नौ रुपए में बैच मिल जाएगा ठीक है बैच आपका छह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का लेकिन अभी ऑफर चल रहा है अगर आप यह कोड यूज कर लेंगे वाई टू सेवन फोर तो आपको सोलह सौ नौ रुपए में बैच मिल जाएगा चलिए भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बन रहा है सबसे पहली चीज समझिए आपका जो ये दे रखा है वाइनोकुलर इसका मतलब क्या होता है दूरबीन का मतलब क्या होता है दूरबीन आप सबको पता है देखने के लिए यूज की जाती है दूरबीन जो है वो देखने के लिए यूज की जाती है कोई भी चीज को व्यू के लिए यूज की जा रही है तो सेम अगर हम बात करें शोवल तो फावड़ा जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है फावड़ा जो होता है वो आपका किस लिए यूज किया मिट्टी क्यों बिल्कुल खुदाई के लिए यूज किया जाता है खोदने के लिए यूज किया जाता है क्या फावड़े का तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जैसे दूरबीन का काम होता है देखने के लिए वैसे शोवल का काम होता है आपका स्कूप के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है, वाले है। ए वाले बिल्कुल करेक्ट है पूर्वी राजपूत जी बिल्कुल गुड इवनिंग ऑप्शन नंबर ए वाले सभी ठीक है दोस्त देखो किसी क्वेश्चन में अगर किसी को किसी भी टाइप की दिक्कत आए या लगे कि नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा मैं बार बार कह रहा हूं कि बस एक बार आपको बोलना होगा कि उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करूं तभी मैं उसको समझा पाऊंगा वरना मुझे लगेगा कि समझ में आ रहा है दोस्त तो ना समझ में आए तो बोल देना ओके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है फिफ्टी की तरह चलते हैं चलिए भाई फिफ्टी को करते हैं 53 का क्या बनेगा और जितने लोग देख रहे हैं भाई उतने लोग जल्दी से सेशन को लाइक करते चलें और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वरुण जी बिल्कुल वरुण जी टैच का पेपर होता है इसमें जनरल रीजनिंग पूछी जाती है दोस्त है ना बिल्कुल बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है सिर्फ लॉजिकल एबिलिटी चेक करने के लिए कि दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस यहां पर चले जल्दी से फिफ्टी थ्री का आंसर बताइए क्या बनेगा दोस्त बी आ रहा है वरुण जी का संजय जी बी बता रहे आदित्य जी बोल रहे हैं डी होगा श्वेता जी बोल रही हैं बी होगा ऋचा जी बोल रही हैं डी होगा यानी कि इस क्वेश्चन में भी मुझे दो आंसर्स देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी सोनल त्रिपाठी जी बोल रही हैं बी होगा विकास जी बोल रहे हैं डी होगा धु जी बोल रही हैं बी होगा रिचा जी डी आ रहा है परमानंद जी डी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दो आंसर आ रहे हैं दोस्त इंद्रजीत जी बी होगा ज्योति जी डी होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इतना खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है कि आपको इतना कंफ्यूज होना पड़ जाए चलिए भाई दोनों आंसर आ रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को लेकर भी डाउट है मनु में फॉक्स का विकसन लोमड़ी का मादा लोमडी तो अब अगर ये बन रहा है फिर क्या बन रहा है आपका लोमड़ी का मादा लोमड़ी से मतलब हो रहा है मेल फीमेल टाइप का जा रहा है तो अगर इस टाइप में जा रहा है तितली का इल्ली तो नहीं होगा कॉल्ड का अगर बछड़ा का हॉर्स नहीं होगा बी और वक और डॉय इसमें कंफ्यूजन है तो सबसे पहली चीज समझिए हिरन और हिरणी तो ये तो आपका मेल फीमेल वाले लॉजिक पे जा रहा है हिरन और हिरणी ये मेल फीमेल वाले लॉजिक पे जा रहा है मतलब ये तो इसके लॉजिक से मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है लॉजिक से लेकिन अगर हम डी की बात करें तो बी दे रखा है मक्खी और ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी मादा नहीं यहां मादा लोमड़ी है तो यहां मादा मधुमक्खी की बात करता है या तो नर मधुमक्खी की बात कर रहा है तो ये तो गलत हो गया ना गलत हो गया तो क्या बचा ऑप्शन नंबर बी ही बचा और बी ही करेक्ट होगा डी राइट है डी राइट नहीं है विकास जी आप सही से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पे नर मधुमक्खी की बात कर रहा है दोस्त और यहां अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला जो आ रहा है वो मादा लोमड़ी आ रहा है तो यहां पे मादा मधुमक्खी की बात करना चाहिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहां हिरण और हिरणी दोनों आ रहे हैं क्लियर हो गया भाई बताते चलो जल्दी से क्लियर हुआ या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में जल्दी से बता दो और क्लियर हो गया है तो भाई जल्दी से 54 की तरफ आ जाओ चलिए भाई जितने लोग देख रहे हैं भाई जल्दी से सेशन को लाइक करते चलें जिसने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया तुरंत तो लाइक कर लो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो और रोज जुड़ना मत भूलो रात को आठ बजे आ रहा हूं बहुत शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग क्योंकि सेशन में इस चीज की गारंटी अगर दिमाग चलाने में मजा आता है तो पेन से ज्यादा दिमाग चलाना है बस पेन नहीं चलाना क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग चलाना है पेन से ज्यादा दिमाग चलाओ ऑप्शन नंबर बी वरुण जी का रिचा जी बी बता रही हैं गेमिंग जी बी बोल रहे हैं संजय जी का बी आ रहा है पूजा जी का बी आ रहा है नामिका जी बोल रही हैं बी होगा ऑप्शन नंबर बी सभी का आर है डी भी आ रहा है ऑल इन वन जी बोल रहे हैं डी होगा का फिफ्टी फोर का बी होगा वुड होगा भाई वुड, डी क्यों कर रहे हो दोस्त आंसर कुछ लोग डी भी बता रहे हैं भाई बी तक तो ठीक है डी तक क्यों जा रहे हैं आंसर कैची कपड़ा सीजर से क्लॉथ कैची से कपड़ा काट लेते हो कैंची कपड़ा काटने के लिए यूज होती है नॉर्मल कंडीशन में तो भाई वैसे कुछ भी काट दो रोक थोड़ा ना रखा है किसी ने लेकिन नॉर्मल जो बनाई गई है कैची वो कपड़ा काटने के लिए बनाई गई है कैंची का मेन काम क्या है कपड़ा काटना है सीजर क्लॉथ के लिए एक्स की बात करें कुल्हाड़ी की बात करें तो कुल्हाड़ी किसको काटने के लिए यूज की जाती है लकड़ी को काटने के लिए यूज की जाती है भाई छोटे से से कहानियां पढ़ी होंगी ना स्कूल में एक लकड़हारा था तो लकड़हारा था तो कुल्हाड़ी होगी होगी उसके पास कहानियां सुनी होंगी पढ़ी होंगी देखी होगी एक लकड़हारा था और जहां लकड़हारा था वहां कुल्हाड़ी होती है उसके पास तो भाई लकड़हारे का रिलेशन किससे होता है लकड़ी से होता है लकड़ी से होता है और स्टोन काटने के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई यूज करता है और शिकार करने के लिए कोई साउथ की मूवी थोड़ी ना देख रहे हैं जो कि शिकार करेंगे तो कुल्हाड़ी से करेंगे और सब्जियां काटने के लिए कुछ लोग बता रहे थे भैया कहां सब्जी काट देते हो कुल्हाड़ी से ये तो बताओ है कुछ लोग बोल रहे थे वेजिटेबल भी काट देते हैं सब्जी कैसे काटते हो कौन सी सब्जी है जिसके लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करना पड़ता है चलो भाई जल्दी से फिफ्टी की तरफ आओ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फिफ्टी करिए भाई चलिए अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव चिजल, ऑथर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी पेन पेन आ रहा है भाई सबका अभी तक जो आंसर रहे आ रहे हैं मेरे पास पेन वाले आ रहे हैं पेन वाले लोग ज्यादा हैं भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें कंजूसी कर रहे हैं सेशन को लाइक करने में बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जो ऐसे हैं जो कि अभी तक सेशन को लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं तो भाई जो लोग देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक करते चले और शेयर करना है सबको पैन आ रहा है और रेगुलर रह के देखो मैंने हमेशा बोला है कि बस आप दो से तीन क्लास ले लीजिए लगातार उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्लास करनी है या नहीं करनी है क्योंकि फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो अगर सीखना है दोस्तों बस क्लास करने आ जाओ दो दिन आओ लगातार उसके बाद आप डिसाइड करना करनी है या नहीं करनी है पैनी होगा चलिए भाई पैनोगा स्क्रप्टर की बात करें तो चीजल के साथ जा रहा है मतलब मूर्तिकार जो है वो किसके साथ जा रहा है छेनी के साथ जा रहा है मूर्तिकार जो है वो किसके साथ जा रहा है छेनी के साथ जा रहा है तो आपको पता है कि अगर हम बात करें स्क्रप्टर तो वो ये होता है इसको बोलते हैं छेनी जिसको नहीं पता इसको बोलते हैं चिजल ये जो चीज इनके हाथ में आपको दिखाई दे रही है चिजल तो अगर लेखक की बात करें लेखक के हाथ में क्या दिखाई देगा लेखक के हाथ में आपको पेन दिखाई देगा कलम दिखाई देगी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी वाले सभी ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन आंसर बताइए भाई फिफ्टी सिक्स का क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स का आंसर एमओ फोर्टी सिक्स एच जे क्या बनेगा जल्दी से बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्यों कंफ्यूज हो अंतिमा यादव जी बिल्कुल कट ऑफ जो गई है वो आपकी 82.5 टू पॉइंट फाइव गई है नहीं आ रहा एटी वन अंतिमा जी कट ऑफ आपकी 82.5 टू पॉइंट फाइव गई है तो मुझे लगता है अगर आपके एटी फोर मार्क्स हैं तो आप क्लियर हैं इतने ईस्ट समझा नहीं मैं मैम आपकी बात को यहां दिख रहा है आपको एम ओ फोर्टी सिक्स एम और ओ एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है स्थानीय मान थर्टीन पर होता है ओ जो होता है वो फिफ्टीन पर होता है तो थ्री और वन कितना बन गया फोर बन गया फाइव और वन कितना बन गया सिक्स बन गया तो ये कितना बन गया फोर और सिक्स यहां पे आपको दिखाई दे रहा है अब एच और जे की अगर हम बात करें तो एच होता है एट पर और जे होता है टेन पर एट तो सिंगल डिजिट है ऐसे ही रहा वन प्लस जीरो किया वन बन गया वन बन गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है नहीं पता कोई बात नहीं अर्चना जी अब मुझे लगता है क्लियर हो गया ये बताओ अब समझ में आया नहीं आया हो तो जल्दी से बताओ मैं दोबारा बताऊं क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में काफी आंसर मुझे मिल रहा है कि नहीं पता कोई बात नहीं दोस्त नहीं पता है तो मैं बताने के लिए हूं अब जल्दी से ये चीज बताइए अब क्लियर हुआ आपको यह चीज या नहीं हुई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है भाई यहां पे होता है थर्टीन होता है ना इनका तेरह तो तीन और एक चार और ओका पंद्रह होता है पांच और एक छे तो वही यहां किया एट और एक और एक जीरो तो कितना बन गया एट्टी